मैंने यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो देखना और वैसे ही करना। Hi you guys, welcome to my channel Style with Sneha and this is Sneha. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्प्लीट VLCC फेशियल प्लस ब्लीच, आई मीन ब्लीच प्लस फेशियल, पूरा ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये आपके साथ एक हॉल में शेयर किया था, ये पूरा पैक मैंने लिया था आई गेस Amazon से एंड इसका प्राइस है 275 rupees। मैंने आपके साथ पहले भी फेशियल के वीडियो शेयर किए हैं, VLCC के फेशियल थे, एक सिल्वर फेशियल था एंड आई गेस एक फ्रूट फेशियल था, बट मैंने आपके साथ कभी ब्लीच का कोई वीडियो शेयर नहीं किया था कि ब्लीच के साथ फेशियल कैसे करते हैं, इसलिए आपके साथ मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड हो सकता है इसके मैं दो पार्ट बनाऊँ क्योंकि अगर दोनों साथ में शेयर करूंगी तो वीडियो काफी लेंथी हो जाए एंड मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बने। इसकी प्राइस है 275, बट मुझे ये मिला था आई गेस 194 और 200 के बीच में। एंड VLCC जैसे कि आपको पता है वेल नोन ब्रांड है एंड काफी सारे इसके वेरियंट होते हैं जैसे कि डायमंड ब्लीच, डायमंड फेशियल, फ्रूट फेशियल, हर्बल फेशियल, बहुत सारी रेंज आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड अभी हम बात करते हैं इस ब्लीच की। बहुत सारे लोगों को फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है या फोरहेड पे उनको फेशियल हेयर्स होते हैं या फिर यहाँ पे, सो ब्लीच क्या करता है उन बालों को वो कवर अप करता है एंड स्किन लाइक फिनिश देता है। तो इससे क्या होता है हमारी स्किन टोन इम्प्रूव होती है एंड फेस थोड़ा सा इवन टोन लगता है। बट क्या ब्लीच करना नेसेसरी है एंड कंपल्सरी है? सो मैं कहूंगी नो। अगर आप फेस वैक्सिंग कराते हो या फेस शेविंग कराते हो तो ब्लीच करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। कि अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप ब्लीच को स्किप करना, कभी भी यूज मत करना। और अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है तो भी आप ब्लीच को यूज मत करना क्योंकि आपके एक्ने को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपको इन्फेक्शन होगा एंड आपका फेस काफी ज्यादा खराब हो सकता है। सो अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो इट्स स्ट्रिक्ट नो। एंड ब्लीच को यूज करने से पहले आप कर सकते हो पैच टेस्ट, वो आप यहाँ पर कर सकते हो या अपने नेक पे कर सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड देन आप देख सकते हो कि आपको कोई इरिटेशन होता है कि नहीं। एंड अगर आपको ये सूट कर जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ब्लीच अवेलेबल होते हैं जैसे कि फेमका ब्लीच होता है, ओलिविया ब्लीच होता है, बट मुझे VLCC का ही ठीक लगता है क्योंकि मैंने VLCC का यूज किया है पहले से एंड मैं ब्लीच को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। इसको मैं यूज करती हूँ लाइक वंस इन अ ईयर, वो भी अगर कभी मन किया तो यूज कर लेती हूँ। सो ये आपको मिलेगा 65 rupees में। अगर आप इसको सेपरेट खरीदना चाहते हो मार्केट से तो ये आपको सेपरेट भी मिलेगा एंड इसका ये एक साल की इसकी शेल्फ लाइफ होती है, एक साल के अंदर आपको खत्म करना होता है। एंड 65 rupees में ये आपको 30 ग्राम का कंटेंट इसमें मिलेगा। इसमें आई गेस इसको आप अगर खोलोगे सो इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें आपको ब्लीच की क्रीम मिलेगी विच इज आई गेस 20 ग्राम होगी। येस दिस इज 20 ग्राम की ब्लीच क्रीम आपको मिलती है। देन आपको मिलता है एक्टिवेटर, ये 10 ग्राम्स का होगा। तो आपको रेशो आगे समझ आ गया होगा कि 20 ग्राम क्रीम के लिए आप यूज कर सकते हो 10 ग्राम का प्रोडक्ट। सो अगर इसका आप हाफ यूज कर रहे हो लाइक 20 ग्राम में आपका दो बार ब्लीच होना चाहिए, सो अगर आप 10 ग्राम यूज कर रहे हो तो 5 ग्राम हमें एक्टिवेटर यूज करना होता है। उसके बाद इसमें हमें मिलेगा पोस्ट ब्लीच पैक, तो ब्लीच के बाद इसको यूज करना होता है, एंड एक मिलेगा प्री ब्लीच क्रीम। सो ये आपको पूरा सेट मिलेगा इसमें से। एंड इसमें एक आपको मैनुअल भी मिलेगा, इसमें आपको सारा डायरेक्शन ऑफ यूज एंड एवरीथिंग आपको दिया हुआ मिलेगा एंड यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो देखना और वैसे ही करना। तो सबसे पहले प्री ब्लीच क्रीम हम यूज करेंगे। जब तक ये अब्सॉर्ब नहीं हो जाता पूरी तरह से स्किन में तब तक हमें इसको मसाज करना है। तो यहाँ पर एक बोल ले लिया है मैंने एंड इसमें मैं ब्लीच वाला क्रीम निकाल लूंगी। मेक श्योर इसको आईज के अराउंड एंड लिप्स के अराउंड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है एंड आईब्रोज पे तो लगाना ही नहीं है क्योंकि आईब्रोज के फिर बाल हमारे गोल्डन हो जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं एंड आप देख सकते हो आंखों की हालत, ऐसे कुछ हो सकता है आपके आंखों में थोड़ा सा इरिटेशन। सो इसको अब हमें ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। मैं वॉश कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो हमारा लास्ट स्टेप है पोस्ट ब्लीच पैक, सो इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। जब तक ये पूरी तरह फेस पे अब्सॉर्ब नहीं हो जाता तब तक इसको मसाज करना है। ये अब्सॉर्ब हो गया स्किन में एंड अभी हमें 5 to 6 hours तक कोई भी सोप यूज नहीं करना है फेस पे एंड धूप से थोड़ा सा बचना है क्योंकि हमारी स्किन डैमेज नहीं हो। सो या
तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा VLCC इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच। इसके अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी VLCC गोल्ड फेशियल कैसे करते हैं, सो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना है इसका, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो होगा। सो या गाइस पसंद आया तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, बेल आइकन भी हिट करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, एंड आप कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से वीडियो देखने हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।